भाई विपिन त्यागी जी को अनुरोध करता हूँ कि विपिन त्यागी जी मंच पर आ जाए। एक बार विपिन त्यागी का जोरदार ताली बजाकर शामिल करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और सफल हो सके और अच्छे मार्क्स का भला हो सकता है। हम आपकी चिंता को समझते हैं, हम आपका सब को समझते हैं कि आपको अगर प्राण रखेंगे तो निश्चित रूप से ओपीएस हमारी होगी। तो मैं समय नहीं लूंगा, केवल दो चार नारे लेकर के आपसे बता देना चाहूंगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मिश्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपी मुखड़ा संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। यूपी मुखड़ा संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में 20 साल से काम कर रही हूँ और मैंने भी एनटीए का एग्जाम दिया है, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाई क्योंकि हम सारा टाइम तो ऑफिस में देते हैं, पूरा का पूरा टाइम हम अपना ऑफिस में देके जा रहे हैं। उसके बाद पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है कि हम जाकर उस पेपर की तैयारी करें, इसलिए हम एनटीए का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। इसलिए मैं सरकार से दरखास्त करूंगी कि एनटीए को कैंसिल किया जाए और हम सब भाई बहनों को पक्का किया जाए, जो कि जिनको बाहर आज की डेट में कहीं पर भी जॉब नहीं मिले। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीसी साहब को भी गाइड किया जाए इसके रिगार्डिंग कि इन सब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को पक्का किया जाए। थैंक यू। नाम और डिमोशन है प्रमोशन, लेकिन अब इन्होंने एनटीए का एग्जाम करा के हमें बाहर करने का रास्ता दिखा दिया। अब मेरी उम्र कम से कम 49 इयर्स हो रही है, जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी तब मैं 28-29 साल की थी, लेकिन आज हम इस पोजीशन में आके कहाँ जाएंगे। मैं ही नहीं, हमारे बहुत से बहने और भाई इसी एज पर है, हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, हमारी मेरी दो बेटियाँ हैं, हस्बैंड 2 साल से बेकार है, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही, हम लोग कहाँ जाए। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस मैटर को देखिए और हमारे वीसी सर को बताइए ताकि हमारे लिए कुछ लीनियंट या कोई ऐसा फ्लेक्सिबल रास्ता निकले मीडियम बीच का, ताकि हम लोगों के साथ एक जस्टिस हो सके। थैंक यू सो मच। यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और पिछले 16 से 17 साल से सेवाएं दे रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी, लेकिन आज ऐसा मौका आ गया कि हम लोगों को अपना ऑफिस छोड़ के यहाँ आके खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि आज तक हमने अपनी अथॉरिटी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन आज हम मजबूर हो गए हैं, इतना हमें मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि हम लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है आज के टाइम में, जहाँ हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं। मैं हूँ, मेरे साथ और मेरी महिला साथी है, जेंट्स दोस्त है, ये सब लोग, और कोई लैब में कार्यरत है, कोई लाइब्रेरी में, हम लोग जेएसटी के पोस्ट में है, सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे माहिर हैं और कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी को इतने सालों से चला रहे हैं। कुछ लोग तो रिटायर होने की कगार पे आ चुके हैं, किसी को 3 साल रह गए 60 साल का होने में, किसी को 2 साल, किसी को 6 महीने, और कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं, निकाला जा चुका है उनको 60 साल का होंगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमने अपने पूरे निष्ठा से इस दिल्ली यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया और हम माहिर हैं अपने अपने फील्ड में, और हमें इस तरह से नकारा नहीं जा सकता। एनटीए से टेस्ट करवा के सबको बाहर भेजने की कगार पे भेज दिया गया, जो कि सही नहीं है, और हम इसका विरोध करेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से यही गुजारिश है कि हमें हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए और हमारे बारे में सोचा जाए। हमारे भी बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हम कहाँ जाएंगे जहाँ 20-25 साल की उम्र में हम लोग नौकरी पे लगे, आज 45-50 साल की उम्र में हमें बाहर निकाला जा रहा है, तो ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे, बाहर हमें कौन पूछेगा जब आप लोग इतने सालों की सेवाएं देने के बाद हमें नहीं पूछ रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि आप हमारे बारे में सोचिए, एनटीए को रद्द कीजिए, और जो लोग काम कर रहे हैं, उमा देवी कहता है, उमा देवी का केस है, उठा लीजिए आप लोगों को रेफरेंस चाहिए तो, उमा देवी कहता है
जिनको भी 10 साल हो गए उनको परमानेंट होने का हक है, तो आप उस केस को देखिए। और उसके और मैं मोदी जी से गुजारिश करती हूँ, पंजाब सरकार में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, इवन दिल्ली में कितने लोगों को एनडीएमसी में परमानेंट किया गया, 4400 लोगों को, तो हम लोगों को क्यों नकारा जा रहा है, हम लोगों को क्यों नहीं। 2024 में इलेक्शन है, हम लोग सब सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, जो उनकी नीति चल रही है हम मना नहीं करते, लेकिन अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम मोदी जी का भी विरोध करेंगे। और ये एक दो एम्प्लॉई नहीं है, 1200